My dear students, today we are going to discuss the next point of the lesson. These are sketch and plan. Sketch and plan. Let's start from sketch. Sketch, a sketch is a drawing mainly based upon memory and spot observation and not to scale. इसमें पैमाने पर ध्यान नहीं दिया जाता है. अर्थात क्या होता है स्केच का मतलब होता है हम एक कोई रेखा चित्र बनाते हैं. रेखा चित्र को ही स्केच कहते हैं. तो रेखा चित्र ये एक प्रकार की ऐसी ड्राइंग है, ऐसा आरेखण है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है. अ स्केच इज अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल. तो वी राइट द डेफिनेशन ऑफ स्केच. स्केच अ स्केच अ स्केच इज अ is a drawing is a drawing mainly based on memory mainly based on memory 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 and spot observation and not to scale. This is very important. Not to escape. पैमाने पर ये नहीं होता. स्केच की डेफिनेशन है. A sketch is a drawing mainly based on memory and spot observation and not to escape. Next, sometimes a rough drawing is required of an area to tell where a particular place is located with respect to other places. कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहां के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है. Suppose you want to go to your friend's house. But you don't know the way. मान लो आपको अपने दोस्त के घर जाना है लेकिन आपको उस वे की जानकारी नहीं है, आपको रास्ते की जानकारी नहीं है. Your friend may make a rough drawing to show the way to his house. तो क्या करेगा आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए कच्चा आरेखण बना सकता है. कच्चा कच्चा हमें बोल लेगा कि इधर से इधर एक स्केच बना के हमें भेज सकता है. तो स्केच के थ्रू हम जा सकते हैं. योर फ्रेंड मे मेक अ रफ ड्रॉइंग टू शो द वे टू हिज हाउस. सच अ रफ ड्रॉइंग इज ड्रॉन विदाउट स्केल एंड इज कॉल्ड स्केच मैप. और इस प्रकार का कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से द इम्पोर्टेंट फैक्ट इज विदाउट नॉट द प्रॉपर स्केल. इसमें पैमाने की हम पैमाना अप्लाई नहीं करते हैं, स्केल अप्लाई नहीं करते हैं. तो
इसे हम क्या कहते हैं, रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं, इसके इस मैप इसे कहते हैं। ठीक है, तो हमने पहले डेफिनेशन डिस्कस किया। स्केच, स्केच इज अ ड्रॉइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल, नॉट टू स्केल। ओके, नेक्स्ट इज प्लान। प्लान को हिंदी में एक प्रकार का खाका कहते हैं। प्लान कोई भी बनाया जाता है, ठीक है, कोई किसी क्षेत्र का रेखा चित्र खाका जिसे कहते हैं। अ प्लान इज ए ड्रॉइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। प्लान, प्लान होती है। बट देर आर सर्टेन थिंग्स विच वी मे समटाइम्स वांट टू नो, फॉर एग्जाम्पल इन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रूम। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जिन्हें हमें कभी कभी जानना चाहते, जैसे किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई, विच कांट बी शोन इन अ मैप, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। एट दैट टाइम वी कैन रेफर ड्रॉइंग ड्रॉन टू स्केल कॉल्ड अ प्लान। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसे प्लान कहा जाता है, खाका कहा जाता है। जब हम मकान बनाते हैं तो हमारे घर का पहले प्लान बनता है, प्लान के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें क्या होती है उसमें शो हो जाती है, मेंशन हो जाती है। ओके, तो ये होता है प्लान। पहले हमने पढ़ा स्केच, बाद में पढ़ा प्लान। In this lesson, we discussed first through the definition of a map. A map is a representation or a drawing of the earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale, but it is impossible to flatten a round shape completely. And after we discussed that maps provide more information than a globe, maps है वो globe की अपेक्षा ज़्यादा जानकारी हमें प्रदान करते हैं। maps provide more information than a globe. They are of different types. And we discussed three types
मैप्स, थ्री टाइप्स मैप्स। फर्स्ट वाज फिजिकल मैप्स, फिजिकल मैप्स, फिजिकल मैप्स शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लाटूज, प्लेन, रिवर्स, ओशियंस एटसेट्रा आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप्स। एंड सेकेंड वॉज पॉलिटिकल मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स, मैप्स शोइंग सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप्स। एंड थर्ड इज थीमेटिक मैप्स, सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रोड मैप्स, रेनफॉल मैप्स, मैप्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज एटसेट्रा आर नोन एज थीमेटिक मैप्स। सूटेबल टाइटल्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दीज मैप्स। देर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स, फर्स्ट इज डिस्टेंस, सेकेंड इज डायरेक्शन एंड थर्ड इज सिंबल। वी डिस्कस्ड दीज कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स सेपरेटली, फर्स्ट वी डिस्कस्ड डिस्टेंस, सेकेंड वी डिस्कस्ड डायरेक्शन एंड थर्ड वी डिस्कस्ड सिंबल। सिंबल इज वेरी इम्पोर्टेंट इन द पार्ट ऑफ दीज मैप्स। ओके, एंड आफ्टर वी डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ कन्वेंशनल सिंबल्स, कन्वेंशनल सिंबल, वी डिस्कस दैट देर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ दीज सिंबल्स, दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल्स। एंड हियर इज गिवन अ फिगर ऑन पेज नंबर 26 ए 4.3 कन्वेंशनल सिंबल्स। ओके, एंड आफ्टर वी डिस्कस स्केच एंड प्लान, स्केच एंड प्लान, वी डिस्कस ऑल द टॉपिक्स इन दिस लेसन एंड इन नेक्स्ट वीडियो we will discuss the exercises of this lesson. I hope you have understood the lesson very well. Thank you.